देखिए बाबू मेरा क्या किया, पूरे छत से कपड़ा खुद से लाया है और मेरे पास है भी नहीं। सुबह में खाया था लेकिन इसमें फड़ा हुआ है। ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। संडे को धोना पड़ता है इसलिए हम धो के इसको रख दिए थे और दाढ़ी वाड़ी से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आ रहे हैं रीति ब्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सुबह कब के ही हो गया था और मतलब लाइट नहीं था, लाइट भी मतलब हम सुबह में 5 बजे ही नहा लिए थे, लंच भी बना दिए थे इनके लिए। लेकिन मेरा तबीयत मतलब 3 बजे से ही खराब हो गया था, वो जस्ट मतलब पेट में दर्द ऐसा महसूस हो रहा था। तो मतलब एक सुबह से हम एक दाना नहीं डाले हैं अपने मुंह में और हम सोए थे, मतलब लेटे थे, ठंडा सा पूरा लग रहा था, लगे कि ठंडा वगैरह मार दिया है क्या। देखिए बाबू मेरा क्या किया, पूरे छत से कपड़ा खुद से लाया है और मेरे पास है भी नहीं, अभी छत पे वो है, उसको अभी नहलाए भी नहीं है। दोस्तों मेरा तबीयत सही, मतलब फेवरेट हम लोग का खाना था मेरे जान का वो आलू पराठा। वो बोल रहा था कि आलू पराठा बना दीजिएगा, आलू पराठा, तो हम उनके लिए आलू पराठा बनाए थे। दोस्तों देखिए मेरा जूस के पास इसमें खाना रखा हुआ है और हम एक भी नहीं खाए हैं, तो सोच रहे हैं कि मतलब अभी तक तो तबीयत सही लग रहा है। दोस्तों अभी हम रोटी खा लिए हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा हींग खा ले, पता नहीं क्या मेरे को बेकार सामान नहीं होने लगे क्योंकि गैस बहुत ज्यादा बना रहा है। और अभी हम जा रहे हैं बाबू को, बाबू के लिए कपड़ा ले लेते हैं दोस्तों, उसको थोड़ा छत पर गर्म पानी करके नहला देंगे, कपड़ा चेंज कर देंगे। और देखिए दोस्तों अभी हम भी मतलब छत पे गए थे बर्तन धोने का मतलब बच्चा है, और अपना बाबू को अभी हम नहला दिए हैं। देखिए नहा हुआ दिया, बाल धोकर नहलाए, और देखिए प्याली प्याली लग रही है, मेरी बच्ची लग रही है ना। सत्तू पराठा, सत्तू पराठा क्या आलू पराठा है? आलू पराठा खा रहा है, इसको भूख लगा है तो बोला कि मम्मा हमको कुछ बना दो। तो इसको दोस्तों हम जैम और रोटी खिला दिए थे, पहले ही खिलाए थे ना, उठा था सो के। और पापा इसके चीजी भी ला दिए, चीजी खाता ही है, कुरकुरे नहीं खाता, चीजी खाता है, खाता ना बेटी? हाँ। अभी बोला बाबू मेरा मम्मा भूख लगा है, मम्मा कुछ बना दो, इसीलिए बेटा जी के लिए आलू पराठा में चटनी लगाकर दिए हैं, जैम लगाकर, और मेरा बच्चा खा रहा है। और देखिए दोस्तों आज है संडे, तो संडे की वजह से हम दोस्तों फटाफट अपना दाढ़ी वाड़ी बना लिए हैं यहाँ कंपनी के अंदर ही। और दाढ़ी बनाने के बाद अभी कपड़ा वपड़ा धो दिए हैं, वो लोग आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कपड़ा धो दिए हैं। दोस्तों यहीं पे अपना धो के हम रख दिए हैं सूखने के लिए, ये अपना पहन के आए थे तो मतलब धोना जरूरी दोस्तों, हर एक संडे को धोना पड़ता है इसलिए हम धो के इसको रख दिए थे। और दाढ़ी वाड़ी सेविंग भी कर लिए थे दोस्तों। और हमारा जो देखिए वहाँ पे एक चीकू का पेड़ है, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यही है हम लोगों की कंपनी में चीकू का पेड़, ये बहुत महंगा मिलता है लेकिन इसमें फड़ा हुआ है। ये यहाँ पे है और इसमें ये यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारा मतलब फड़ा हुआ था, इधर भी ये फड़ा हुआ है लेकिन कोई कोई दोस्तों इसमें से तोड़ ले रहा है। और एक यहाँ पे भी है, मतलब इसका कीमत दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे तो है दोस्तों पेड़, तो इसको पकने देंगे तब हम खाएंगे, तब इससे मज़ा आएगा दोस्तों। और हम अपना कपड़ा धो लिए हैं, अभी दाढ़ी कहीं कहीं पे देख सकते हैं दोस्तों छूट गया, आधा मेरे ट्रिमर जो चार्ज था वो आधे पे से कट गया था, फिर से उसको चार्ज में लगा लिए हैं। अब सृष्टि क्या घर पे कर रही होंगी, होता संडे तो दोस्तों अपना जो ड्रेस व्रेस होता है वो तो धोना पड़ता है इसी की वजह से, और धो के सब डाल दिए हैं सूखने के लिए। आप लोग बनाइए दोस्तों, मतलब कुछ कुछ कपड़ा मतलब कान में बांधने वाला और मेरा हाफ पैंट और ये लोअर लास्ट चार्ज पहनने के लिए, तो ये सूखा नहीं था घर पे बढ़िया से, तो इसको यहाँ पे डाल दिए हैं, तब तक ये भी सूख जाएगा। और तब जाके हम अभी दतवन करेंगे, दतवन भी तोड़ लिए हैं दोस्तों। दतवन कैसा तोड़े आप लोगों को दिखाते हैं, दतवन करेंगे आज, ये तोड़ लिए थे बगल में पेड़ है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ट्रिमर लगा हुआ है चार्ज में, क्योंकि चार्ज आधे से ख़त्म हो गया, तो मतलब 10% और बचा हुआ है, उसको चार्ज करके बढ़िया से मुँह धो लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सृष्टि का बनाया हुआ लंच यहाँ पे देखे दोस्तों हम अपना रख लिए हैं, और मुंह धोने के बाद सब कुछ करने के बाद नहाएंगे तो खाएंगे, आप लोग बनेंगे दोस्तों ब्लॉग में। और देखिए दोस्तों अभी हम नहा लिए हैं, नहाने के बाद एक मतलब चाँप यहाँ मिलता है, तो मेरे पास आलू पराठा था तो सब्जी नहीं था, तो 10 रुपये का हम चाँप लिए हैं और इसमें मिर्ची दोस्तों। और वहाँ से हम अपना लंच का डब्बा लेकर बाहर धूप में चलते हैं, खा लेते हैं दोस्तों, आप लोग बन लिए दोस्तों। यहीं पर हम धूप पर निकाल लिए हैं, निकालने के बाद फटाफट हम इसको सर्वाइव करेंगे, फिर से बाहर का ऐसा है सीन, और खाते हैं थोड़ी देर में, आप लोग बने ब्लॉग में। और
ठीक है दोस्तों, अभी हम घर आ गए हैं और यहाँ पे हमारा लड़ाई हो रहा है, मार कुटाई हो रहा है। कौन को लड़ाई कर रहा है जी? देखिए देखिए लोगों में लड़ाई हो रहा है, देख लीजिए। देख लीजिए जो ज्यादा जोर से पड़ा देख लीजिए, ये भी लड़ाई कर रहा है। देख बाबू इधर 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 इधर, तुम बोल दो किसके जान हो? और बता दो दिन में क्या खाया था? फिर बता। टॉफी और जली टॉफी और आलू पराठा खाया था सुबह में? सुबह में खाया था। चटनी डाल के और फोन पे मैंने क्या क्या बोला था लाने के लिए? भगवान की मूर्ति लाने के लिए बोल रहा था। हाँ देख लीजिए, इतना बोलता है ना, बोलने में कम नहीं है। अरे देखिए हमारे पीछे श्रीलंका की देख लीजिए, मुँह छुपा रहे हैं दोस्तों। हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, आप लोग बने रहे ब्लॉग में, दिखाते हैं क्या क्या हमारे खाना बनाया। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ खाना में क्या बना है। ये तो पहले रोटी बना है, और इसमें है मेरा चावल, और इसमें है मेरा सब्जी। अरे वाह वाह, कितना यमी सब्जी दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये देख लीजिए इनका मुंह थोड़ा, ये आज वो जो नहीं होता है सात रंग का, जिसे बोलते हैं सात रंग खाने बन जाता है देख लीजिए, सात रंग का चाय नहीं बनता, सतरंगी कलर। और ये चेहरा देखिए, कल बस चेहरा आप लोग देखते रहिए, मतलब चेहरा का इंस्पिरेशन देखिए, मतलब कितना दम। दोस्तों हम लोगों का नाइट का खाना होगा ये दोस्तों, रोटी चावल सब्जी है। और दोस्तों हमारा खाना ना हो गया, अब हम लोगों का सोने का समय है, क्योंकि 12 घंटा करो और थके फिर आओ और घर पे खाना खाओ और सो जाओ। और आज का छोटा सा ब्लॉग दोस्तों हम लोग यहीं तक रखेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।